वंदितु सिद्धि धूमचलमणोभवं गयिं पते बोच्छामि समय पाहुं मृण्माशुद केवलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते शिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। आपको ऐसा लगता होगा कि बार बार वही चर्चा चलती है, हूँ ज्ञा इच्छू हमारा माँ ज्ञान छ, ऐसा लगता हो सकता है ज्ञान गेयकृत अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता, ज्ञान गेयों में नहीं जाता, ज्ञान गेयों थी उत्पन्न न था, ये सब लगता होगा। वही तो सुना है, अब क्या सुनना, ये मोह की आवाज़ है, अब क्या सुनना। आत्मा के लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, मोह को टकोरने के लिए, टोकने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। एक बार जरूरत पड़े ना तो गुरु शिष्य को स्ट्रेस भी देता है, प्राश्चित जाओ वहीं जाके खड़े हो जाओ, स्ट्रेस भी देता है, लेकिन आज तक आत्मा को दंड नहीं दिया। दंड किसको दिया जाता है? मोह को। टोका किसको जाता है? आज तक कोई ऐसी माँ है जिसने अपने बच्चे को मारा हो? है कोई ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को मारा हो? मैंने पिछली बार समझाया था, उसी को रिपीट कर देता हूँ। ऐसी कोई माँ है जो अपने बच्चे पर क्रोध करती है? है? कोई नहीं। क्रोध की परिभाषा क्या है? जो किसी का अहित चाहे, बुरा चाहे। लिखा है, पढ़ना तीसरे अधिकार में, जब क्रोध कर्म का, क्रोध चारित मोहिनी है ना, क्रोध चारित मोहिनी का कर्म का उदय होता है तब इसे बुरा करने का भाव होता है, बुरा करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बुरा, आज तक किसी माँ ने बेटे को नहीं मारा, आज तक माँ ने अपने बच्चे पर क्रोध नहीं किया, तो फिर करती देखते थे अपन कि बिल्कुल नहीं। मोह के ऊपर, जैसे बालक के संवर्धन के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए मम्मी पप्पा चाहिए, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चैत के विकास के लिए गुरु चाहिए। मोक्ष मार्ग में कोई ना कोई रोकने वाला, टोकने वाला, समझाने वाला चाहिए। आपको किस बात का जवाब दिया? एक ही प्रश्न, एक ही प्रवचन बार बार, एक ही चर्चा बार बार, इनके पास कुछ है ज्ञा के सेवा? जब देखो जब हूँ ज्ञा हूँ, और ज्यादा तो इस पर छपा भी लिया, हूँ ज्ञा, देखेंगे भी तो हूँ ज्ञा क्या भाई। उसका कारण है कि ये मोह तेरे को सुनने नहीं देगा। असंख्यात बार सुने तब समझ में आए इतना मोह जटिल है। महिमा जग जाए शुद्धात्मा की, इतना जटिल है, इतना एक्चुअली क्या क्षोपसम ज्ञान के लिए इजी है, क्योंकि वो ज्ञानवर्णी के क्षोपसम से होता है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोला मैंने? वो ज्ञानवर्णी के क्षोपसम से होता है। जिसको ज्ञानवर्णी का क्षोपसम हो, तो अभी जैन फिलोसफी के बहुत सारे प्रोफेसर हैं जापान में, जर्मनी में, रसिया में, अमेरिका में हैं जैन फिलोसफी के, और ऐसा बढ़िया लेक्चर देते हैं, लोग तालियां पाड़ते हैं उनके लिए। असम्यक दर्शन नहीं, मोह वहीं के वहीं खड़ा। इसलिए ये गलती कभी नहीं करना। हालांकि आज कर्म कारक की चर्चा चल रही है, ज्ञान का कर्म अलग, श्रद्धा का कर्म अलग, कर्म कारक है ना, कर्म कारक, ज्ञान का कर्म अलग, ज्ञान उसका कर्ता, क्षोपसम उसका कर्म, क्षोपसम ज्ञान, क्षोपसम नहीं ज्ञान, क्षोपसम का कर्ता जीव नहीं है, उपशम का कर्ता जीव नहीं है। हालांकि एकदम कठिन आ गया, एकदम बीच में मैं इतनी जल्दी नहीं लाना चाह रहा था इसको, लेकिन अब आ गया तो समझ ही लो आप। उपशम, क्षोपशम, क्षय, ये जीव का कर्म नहीं है।
किसका काम है? ये पुद्गल का काम है। क्यों? क्योंकि उपशम क्षय ये कारमाण स्कंद की योग्यता से होता है, जीव के कारण नहीं होता। कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये सारा का सारा काम कर्म का, जीव का नहीं। जीव का काम तो ज्ञान में जानना। जानने का नाम क्षयोपशम क्यों पड़ गया? क्षयोपशम ज्ञान, क्योंकि यहाँ कर्मों में क्षयोपशम होता है। यहाँ कर्मों में क्षयोपशम होता है, इसलिए यहाँ क्षयोपशम का। खरेखर जीव में क्षयोपशम नहीं, ज्ञान में क्षयोपशम नहीं, लेकिन जितनी शक्ति रखाता है ना, जानन 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 की जितनी शक्ति रखाता है ना, उसका नाम क्षयोपशम उपचार से कहा है। क्योंकि भेद डाल ले ना, पूरा जाने तो छाए, लेकिन जाने 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 एक है ना, इसमें गाथा है 204 है ना, इसमें गाथा है समय सार जी में, मति ज्ञान, स्वतः ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांच पद एक ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। हाँ, मैं उसका अभिनंदन करते हैं। मैंने पांच है नहीं, खरेखर नहीं, लेकिन मिलेच्छों को समझाएं कैसे, उनको समझाएं कैसे कि जानने का जो डिफरेंस है वो कैसे बताएं, तो उसका नाम उपचार से क्षयोपशम ऐसे करके रखा। फिर उसके चार नाम रख दिए, मति ज्ञान, स्वतः ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान। खरेखर तो एक जानना है बस। इतनी देर में क्या समझ में आया? ज्ञान गुण का एक काम है जानना, पांच नहीं, पांच काम नहीं है, एक काम है जानना। लेकिन वो समझाएं कैसे, तो इधर से उपचार डाल दिया। बराबर, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आएगी सारी बात। अब कहां से छूट गए थे अपन जी? पांच ज्ञान में आ गए वापस। नहीं, इसके पहले हैं, अरे भूल गए अपन, वो जो बात चल रही थी मोहिनी की बात चल रही थी ना, मैंने क्षयोपशम बहुत हो जाए, क्षयोपशम बहुत हो जाए, लेकिन श्रद्धा नहीं हुए क्षयोपशम, क्योंकि वो क्षयोपशम का काम है, श्रद्धा का काम नहीं। इसीलिए आप जानते भी हो ना तो भी पढ़ना, तो भी सुनना, क्योंकि मोह हजार बार, लाख बार, असंख्यात बार सुने तब कटता है। दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी की है, और ज्ञानावरणी की कम है, हैं 30। अब कितना कम, कहाँ ज्ञान, 30 कोड़ा कोड़ी, वो 70 कोड़ा कोड़ी, और कितना काम करना है आपको, बारंबार सुन के सुन के सुन के, पढ़ के पढ़ के सुन के, वो 70 कोड़ा कोड़ी को अंत कोड़ा कोड़ी करना है। अंत कोड़ा कोड़ी मतलब 70 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा, क्यों ऐसे बोलती है, 70 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, जितना आएगा वो 70 कोड़ा कोड़ी। 70 करोड़ में 1 करोड़, वो भी सागर है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ओ बाप रे, हिसाब, मैं तो सोच रहा था 70 कोड़ा कोड़ी है बस, केवल सागर, और उसको अंत कोड़ा कोड़ी कर दे। अंत कोड़ा कोड़ी मैंने ओनली सिंगल वन, एक कोड़ा कोड़ी सागर रह जावे अंदर अंदर, तो सम्यक दर्शन होता है। इसलिए आप लोग कभी नहीं सोचना हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सीख लिया, बहुत रट लिया। हैबिचुअल नहीं होना, हैबिचुअल माने एडिक्ट, एडिक्ट नहीं होना, बड़े उल्लास से सुनना, उल्लास से पढ़ना। क्यों? कंप्यूटर ऑन करते नहीं तो एकदम चालू नहीं होता, उसकी प्रोसेस होती है। तो अपने को तो ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, स्लीप पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, रहते ना पर्दा ब्लैक, अपने तो ऑन कर दिया, अब चल ही नहीं रहा। फिर अपने कोई फाइल सेलेक्ट की, फोल्डर उसे खोला, चुप, फिर एक कोई आ जाता जो भी उसका, लेकिन वहाँ चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है, और इतना कुछ चल रहा है कि तुझे पता ही नहीं कितना चल रहा है उसके अंदर, बहुत चल रहा है। धैर्य के साथ, विथ पेशेंस, पढ़ना, पढ़ने का क्रम नहीं तोड़ना, सुनने का क्रम नहीं तोड़ना, विचारने का क्रम नहीं तोड़ना, अभ्यास करने का क्रम नहीं तोड़ना। और धैर्य इसलिए कह रहा हूँ कि धैर्य नहीं हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो। धैर्य, पेशेंस क्या चीज़ होती है, ये जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन को दिखता है। आज तो करके ही रहूँगा, आज तो हो ही जाना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा, ये धैर्य नहीं। तू पर्याय की ओर क्यों देख रहा है बार बार?
तुमने कभी ऐसा किया, कंप्यूटर ऑन किया और फिर बिलीव नहीं हुआ तो पीछे से खोल खाल के देखने लगे, खोल के देखो देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खोल के मत देख, पेशेंस रख, नहीं तो तू खोलने लायक नहीं बचेगा। पेशेंस रख, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे स्वाध्याय करना, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि बारम्बार क्यों सुनना पड़ता है, क्योंकि वो अलग चीज़ है, सम्यक दर्शन होना और नहीं होना ये श्रद्धा गुण का काम है, ज्ञान गुण का काम नहीं है। इसलिए तू ज्ञान गुण में तृप्त होता हो, प्रसन्न होता हो, सेटिस्फाई होता हो तो आपका दुर्भाग्य है ये। अभी एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी ना इसमें, पात्र, सम्यक दर्शन का पात्र, धर्म का पात्र सम्यक दृष्टि है। संप्रदान में उन्होंने पात्रता की मुख्यता से लिया, इसकी चर्चा मैं संप्रदान में करूँगा, जो आपने अभी सुना है, हालांकि बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन फिर भी मैं उसकी चर्चा उसी दिन करूँगा, क्योंकि यदि मैं कर्म कारक छोड़ूंगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो एक बात समझ में आ गई, मोह। तो कर्म कारक की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पहले परिभाषा देखते हैं इसमें से। कर्तृत्व शक्ति के ऊपर कर्म शक्ति है ना, क्रिया शक्ति के नाम से, कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, सॉरी, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उस मई कर्म शक्ति 41, अपन ने कर्ता पहले पढ़ ली ना 42 है ना, कर्ता शक्ति 42 थी, 41 में प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव उस मई कर्म शक्ति, याद कराता हूं, देखो, प्राप्त किया जाता, यह है महत्वपूर्ण, कर्ता जिसे प्राप्त करे, कर्ता जिसे प्राप्त करे उसका नाम कर्म शक्ति, इतना ही याद करना है आपको, बाकी एक शब्द है जो मैं समझा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। क्या लिखा है, प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव, इस सिद्ध रूप भाव में थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि अपन सिद्ध नाम सुनते से ही सिद्ध भगवान में पहुंच जाएंगे, वो बात ही नहीं है यहां पर, यहां वो बात ही नहीं है, यहां पर तो सिद्ध भाव मतलब भाव माने पर्याय और सिद्ध माने व्यक्त, सिद्ध माने व्यक्त, और कुछ नहीं लेना यहाँ, सिद्ध माने वो सिद्ध नहीं लेना, लोक में भी अपन कहते ना आप सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, मैथमेटिक्स में आता ना प्रूफ दैट, प्रूफ करिए आप, आपने ये बात कैसे कही कि मैं चोर हूँ, सिद्ध करिए, तो वहाँ सिद्ध होना कोई वो सिद्ध थोड़ी है। मैंने एक बार पढ़ा दिया आपको ये बात भी, याद है आपको, सिद्ध क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो सिद्ध हो गया कि आत्मा ही था, आपको नहीं था ना विश्वास कि अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा इस देह से जुदा है, अप्रभावी है, परिपूर्ण है, आनंद मूर्ति है, आपको बिलीव नहीं है ना, 14 गुणस्थान के बाद इट इज सिद्ध, इट इज प्रूव्ड, एक बार लिया था मैंने, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे, मैंने इतना करने के लिए कहा ये सिद्ध है, बस ये सिद्ध है ना, तू भगवान है, ये सिद्ध है, तू ध्रुव है ना, गायक है ना, परिपूर्ण है, तेरे में अनंत शक्ति है, और देह में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा शरीर कैसा भी हो, पैकिंग पैकिंग कैसे भी हो, तेरा बारदान है, क्या बोलते, कैसा भी हो, तू भगवान है, बस खुश रहे तू, उतना बताने के लिए सिद्ध है। तो यहाँ सिद्ध माने वो नहीं लेना, सिद्ध रूप भाव माने व्यक्त भाव, उस मई कर्म शक्ति, समझ में आया, उस मई कर्म शक्ति। अब मैं कर्म शक्ति की चर्चा शुरू करता हूँ, सभी लोग को समझ में आता है कुछ, कर्म का चिन्ह क्या है, चिन्ह समझते हैं, कर्म का चिन्ह, आप ना आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी हो कभी, ग्रामर पढ़ी होगी, कर्ता ने, ये ने है ना, ने ये कर्ता कारक का चिन्ह कहलाता है, चिन्ह माने पहचानने का स्टाइल, आइडिया, क्या बोलना चाहिए, उसमें सिंबल होता है, सिंबल, ये सिंबल, इस लड़के ने ये काम किया तो ये लड़का कर्ता सिद्ध हो गया, ने आए ना इसके साथ, ने, इस लड़के ने पत्र को लिखा, पत्र को लिखा माने काम, कर्म कारक आ गया, सुमत प्रकाश जी ने प्रवचन किया तो सुमत प्रकाश जी ने यानी कर्ता, और प्रवचन माने कर्म, बराबर, स्त्री ने, बाई ने भोजन को बनाया, अब जनरली को नहीं बोलते अपन लोग, शॉर्ट कर देते हैं, उस काम को करना, तब जो काम को, उस काम को आप करेंगे, उस काम को आप नहीं करेंगे, तो काम का चिन्ह क्या हो गया, कर्म कारक का चिन्ह क्या हो गया, ये सिंबोलिक कहलाता है, सिंबल, चलिए वापस, तो कर्म किसको कहा,
जिसको जिसको अब देखो आगे ना, जिसको कर्ता प्राप्त करे। कर्मकारक की परिभाषा क्या हो गई? जिसको कर्ता प्राप्त करे। बहुत क्या गजब है, सर्व भगवान की कितनी महिमा आती है। ये डेफिनेशन आपको लोक में नहीं मिलेगी, लोक में नहीं मिलेगी। कितनी कम शब्द, जिसको कर्ता प्राप्त करे, जिसको कर्ता प्राप्त करे, बस चार शब्द में पूरा डिफाइन कर दिया। चार शब्द में पूरा डिफाइन, इसको कहते हैं सूत्रात्मक भाषा। एक तो व्याख्या होती है जिसको वचनिका कहते हैं, वचनिका डिटेल, और एक होता है सूत्र, बस शॉर्ट में कह दिया। कर्मकारक किसको बोला, परिभाषा बोलो, जिसको कर्ता प्राप्त करे। तो ये फिर से देखो, प्राप्त किया जाता है जो सिद्ध रूप भाव माने कर्म, सिद्ध रूप भाव माने कर्म, ओसमयी कर्म शक्ति। ठीक, परिभाषा पूरी हुई, याद हो गया। समझो, कर्म कारक की जरूरत क्यों पड़ी, कर्म की जरूरत क्यों पड़ी? एक एग्जांपल दूं तो जल्दी समझ में आएगा आपको। साइकोलॉजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कर्ता कारक का, वर्ल्ड का पहला क्वेश्चन होता है कर्ता कारक का। समझ में आया कैसे? एक समझ लीजिए, कांच का गिलास टूट गया घर में, किसने किया? आप भोजन करने बैठे, रसोई में थोड़ा बहुत टेस्ट फेरफार हो गया, किसने रसोई बनाई? देख पहला क्वेश्चन आया भाई, मंदिर चलो, किसका कौन प्रवचन करेगा, मतलब किसका प्रवचन कोई होना चाहिए ना। तो सबसे पहले कर्ता ढूंढता जी, देख लेना आप वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, किसने विकास किया, देश का विकास किसने किया? कि नरेंद्र मोदी ने, देश का नहीं किया, मतलब गुजरात का किया, किसने किया? देखो पहले नंबर, तुम्हें किसने बिगाड़ा, किसने कहा था आपसे काम करने के लिए? मैंने कर्ता नंबर, समझ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए मैंने, अपन अब कर्ता की चर्चा नहीं कर, अभी कर्म की बात करेंगे। तुम्हारा काम क्या जी तो बता। जॉब देते ना, जॉब अपनी फैक्ट्री में जॉब देते हैं किसी को, या घर में किसी को सर्वेंट को जॉब देते हैं, तो अपन उसे पूछते तुम कौन हो? कि सर मैं सर्वेंट हूँ। तुम्हारा काम क्या है? कि क्या था दस्टर है ना, ये तो तू जंगल में जा। तेरे काम है, इधर कुछ काम है, हमने घर में तेरे को नौकर की तरह रखा है, तो तुझे मालूम होना चाहिए कि सुबह 5 बजे उठ जाना, झाड़ू पोछा कर देना, सो पानी मानी भर देना, और भी जो आपके काम होते होंगे आपने बताए। ये तेरे को खबर नहीं काम की, तो काम करेगा कैसे? कर्ता का डिसीजन काय का करता है तू, किसका करता तो है? पहले कारक में क्या ना क्यों हुआ, करता तो है, तो किसका, किस काम का करता है तू, किस काम को करता है? तेरे को काम मालूम होना चाहिए कि साहब कुछ भी, एक कुछ भी शब्द है ना, अनद्य बसा है ना, बहुत गड़बड़ है। इसकी चर्चा पिछले साल हो गई, अभी नहीं करूंगा मैं। रेलवे स्टेशन से यदि टैक्सी लो और टैक्सी वाला बोले कुछ भी दे देना, तो नहीं बैठना उसमें, तू तो कन्फर्म बोल भैया 25, 5, 50, मालूम तो होना चाहिए कितना रुपया देना है। ऐसे यहाँ पर कुछ भी सर्वेंट, आप तो मुझे साहब नौकरी पर रख लो, अच्छा रख लिया, क्या करोगे तुम? कुछ भी। अब सुबह सुबह में उठ करके टीवी देखने लगा, ये भी एक काम है। ए भैया इधर आ, तू काहे के लिए आया था, किस काम को बताया, तेरे को सर्वेंट रखा ना करता, किस काम को रखा था? टीवी देखने के लिए? जयपुर में तो मैं जिसके यहाँ ठहरा था ना, मैंने 10 लक्षण में गए थे, जिनके यहाँ ठहरे थे, तो उनके बच्चे तो दोनों अमेरिका चले गए थे, घर में केवल दोनों बस। तो उनके यहाँ बिहार से कोई सर्वेंट आया था, बिहार से, वो उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। मैंने आप ताज्जुब मानोगे, ये दोनों कितना मजा करते होंगे, वो कार का मजा लेते थे दोनों पत्नी, क्योंकि उसको चला जाएगा छोड़ के तो मुश्किल पड़ जाएगी, तो उसको कहीं जाना हो, अपने बच्चों को घुमाने भी जाना हो, तो कार से जाता था वो, और कार का पेट्रोल मालिक भरवाता था, बाकायदा एसी में रहता था वो।
सारा पति पत्नी अरबपति हो गए, मैंने फुल फैसिलिटी कुछ खाना हो पीना हो किचन खुला, मैंने सब उनको, उन दोनों को ये लगता था यदि ये चला गया ना तो फिर हमें तो अभी झाड़ू कौन करे, पानी कौन भरे, दूध कौन लेवे, दूध लेवे मैंने वो साइकिल से आता जो लाने वो नहीं, हम तो देख के दंग रहे। उन्होंने मैंने कहा क्या गजब है, कमा कमा के इन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन पुण्य का उदय उसका आया। मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल, मैं देख के उसकी ड्रेस बढ़िया, उसकी पत्नी की ड्रेस बढ़िया, उसके बच्चे वगैरह सब मस्त। मैंने ऐसी नौकरी छोड़े कौन तो ऐसी कोई बात थी, तो वो टीवी वगैरह भी देखते थे सब, ऐसे ऐसे करते थे, बीसीडी प्लेयर जो कुछ उनके यहाँ फैसिलिटी थी सब देखते थे। तो मैंने आपका जो नौकर दिन में टीवी देखता रहता है, पंडित जी कुछ मत बोलना अपन जरा कुछ बोलेंगे तो अब भी धमकी देता, मैं बिहार चला जाऊंगा, आपने तो मुश्किल पड़ जाएगी। आप समझ सकते हो एक एक कितना गुलाम हो गया ये जी। आज की तारीख में तुम नहीं कह सकते तेरा काम क्या है, हाँ टीवी देखना मेरा काम है, जाओ आपको चाय चाहिए ना आ जाएगी, आप बैठो मैं जाके। उसने पत्नी को आवाज लगा दी, पत्नी मैंने जो भी इसका नाम था, राधा बेटी सर्व देयर, लेने पड़ गया काम छुट्टी। मैंने आप उसे कुछ नहीं, एक बात पूछूं, ये तो कहानी स्टोरी यहाँ की हुई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका काम क्या है, आप क्या करते हो सुबह से शाम तक, पर नक्की कर तू है कौन, कौन माने करता, हु आर यू, तुम हो कौन, पहले करता नक्की करो और फिर सेकंड कर्म नक्की करो। बिजनेस तुम्हारा कर्म है, रोटी बनाना तुम्हारा कर्म है, दीकरा दीकरी पालवानू तुम्हारू काम छे, बस ये कर्म कारक खोला सारा तुम्हारा क्या कहना चाहिए, कमांड कमांड क्या बोले, कौन कांड, जैसे कोयला कांड हुआ ना, क्या कहलाता है, कॉल कांड क्या, स्कैंडल समझ, चलो इसकी इंग्लिश में जल्दी समझ में आता है, लेकिन ऐसे ही कुछ लिखते हैं कमांड कमांड क्या लिखते हैं, ले पूरा कांड ही कांड से भरा है, इसलिए तेरा जीप कांड लिखा गया, कर्म कांड लिखा गया, एक नहीं नहीं गोमट सार कर्म कांड जीप कांड कांड समझते नहीं, बिल्कुल कांड से भरा हुआ, देख तेरा पूरा का पूरा, जिस दिन सीबीआई है वो सीएजी क्या होता है इनका, केग, जिस दिन केग बैठेगी तो सारा का सारा खुल के आ गया सामने, हे देख तेरे कांड कितने, ले गोमट सार तेरा कर्म कांड देख, अरे गजब। एक बार ईमानदारी सोचो जरा, आप कौन है, कबीर था, कौन था, कबीर था शायद, वो रुई उसका करते थे वो, तो उनको बड़ा कष्ट था अंदर से, करना पड़ता था उदयाधीन तो करना ही पड़ता था, पत्नी थी बच्चे थे तो कमाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो वो करते थे रुई पिंजने का काम ऐसे करते थे, तो अंदर अंदर उनको ऐसे ही लगता था, आए थे रघु भजन को ओटन लगे कपास, अपना अपना हिसाब नहीं हो रहा है, आपको रोटी बनाते बनाते ऐसा लगता है मैं कौन कौन, पहले कर्तव्य नक्की करो, रोटी बनाने से पहले कर्तव्य नक्की करो, फिर तुम्हारा काम क्या है, तुमसे तो नौकर अच्छा है, जिस काम के लिए रखते ना, ड्यूटी फॉर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्या लेते हैं ड्यूटी अकॉर्डिंग टू रूल, भैया किस काम के लिए रखा, कितने बजे से कितने बजे तक रखा, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, होता ही नहीं सर्विस में, नहीं होता है ऐसे, यदि बॉस कुछ कह दे भाई तुमको 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना है, बॉस ये नहीं चलेगा, नहीं तो आप रिजाइन ले लीजिए मेरे दूसरी जगह जाता हूँ, बोले क्यों, आपने कितने टाइम का जॉब दिया था हमको और कौन सा काम दिया था, ऐसा नहीं है कि मैं क्लर्क हूँ तो मैं चपरासी का काम करूँगा, कौश मैं चपरासी का काम नहीं हो, यदि गिलास पड़ा हुए और चपरासी नहीं हुए तो बॉस बोले जरा गिलास उठा के स्टैंड पर रख दो, सर इट इज़ नॉट माई वर्क, मैंने वहाँ तो उसको प्रति समय मालूम है, प्रति समय कि मैं कौन हूँ, कौन सी मेरी पोस्ट है, कौन मैंने कौन सी मेरी पोस्ट और कौन सा मेरा कार्य, नहीं करेगा वो नहीं करेगा, मैंने उसको प्रति समय याद है कि कर्ता कारक और कर्म कारक। अब आपको सम्यक दर्शन भी चाहिए, तत्वाभ्यास भी करना है, रटने का नाम तत्वाभ्यास नहीं, फरी ने एक होमवर्क आज नो होमवर्क नहीं, आज का होमवर्क ले लो आप
क्या करना है, काम क्या था आपका, पहले कर्ता कौन हो तुम, काय के करता हो, बोलो। कर्म कारक का जवाब अमृतचंद स्वामी से पूछो। तो अमृतचंद स्वामी तो कहते हैं ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञानात अन्यत। तुमको प्रवचन सुनते सुनते ऐसा नहीं लगता मैं कौन हूं, और प्रवचन सुनना मेरा काम है? अपन तो बड़े ग्लेड होते हैं, आहा एक काम पति हो क्या हो गया ऐसा, प्रवचन सुनने का एक बहुत बड़ा काम है, लोग तो सुनते ही नहीं। हम तो नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर होमवर्क घर में तो आप करते हो, मैं जानता हूँ, व्यवहार ना है ना देहाश्रित, वो तो आप बिल्कुल याद रखते हो। पत्नी कभी आपसे कह दे ना कोई काम ऐसा जो आपके योग्य नहीं है, तो तुम मुझे समझती क्या है? तो तू, हम पूछ रहे, तू अपने आप को समझता क्या है? नहीं समझ तुम अपने आप को समझते क्या हो? घर में तो हो जाता है झगड़ा, सासू ने कहा झाड़ू काढ़ो बर्तन मांजो, और उसने कभी पीहर में किया नहीं, और वो इंजीनियरिंग पढ़कर आई हो, 8-10 लाख का पैकेज हो, इंडिया में तो इतना ही मिल पाता होगा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा, अब वो सासू बा ने सुबह सुबह बोला, ए बेटे झाड़ू लगा, आपने मुझको क्या समझा है? बेटे हमने तेरे को बहू समझा है और क्या समझा है? नहीं बहू नहीं, इंजीनियर। और झगड़ा शुरू, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता काय की मान रही थी, इंजीनियरिंग का कर्म क्या था उसका, इंजीनियरिंग। सासू इंजीनियर लाई थी घर में, क्या लाई थी वो तो बहू लाई थी, हस्बैंड क्या लाया था, वो तो पत्नी लाया था। झगड़ा शुरू, पति पत्नी में झगड़ा शुरू, मैं इतना कमाती हूँ ना, चुप बोलना नहीं, तुम्हारा एटीएम जुदा मेरा एटीएम जुदा, कोड नंबर नहीं पूछना वहां पर झगड़ा ही झगड़ा, क्यों वो अपने आप को वाइफ माने ही नहीं रही, वाइफ माने तो स्वाधीन नहीं पराधीन हो जाए, फिर तो उसको लगे अरे मुझे इनकी रक्षा करना चाहिए, तो अपना घर है इसमें तो झाड़ू भी काटना चाहिए बर्तन भी मांजना चाहिए। इंजीनियरिंग कोई मतलब थोड़ी, वो तो एजुकेशन है, एजुकेशन है कि तू एजुकेशन है? यहां दिक्कत सब, ये तो मैंने घर का एग्जाम्पल देकर समझाया, बिल्कुल ऐसा ही मुझे यहां पर कहना है। तुम समझती क्या हो मैं ब्रह्मचारी, मैं मंदिर में सफाई करूंगा, मैं करोड़पति सेठ, मंदिर में मैं सफाई करूंगा, एक 10 दिन बाद भी आए तो पहुंचा नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई, खत्म। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं करना, 3 लोग का नाथ बनो, ऑर्डर नहीं करना, कुछ कह गई क्या कह गई, 3 लोग का नाथ बनना, ऑर्डर नहीं करना, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों से सेवा करना। कोई करोड़पति नहीं हो, करोड़पति माने तो मैंने वो इंजीनियर बहू का दृष्टांत दिया ना, जैसे वो बेवकूफ अपने को इंजीनियर मानती है तो झगड़ा ही खड़ा होता, पक्की बात है। लड़की गरीब घर से आई हो, भले ही आई हो गरीब घर से आई हो, लेकिन वो पत्नी बनकर आई है, करोड़पति घर में आते से ही उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं गरीब हूं, कभी नहीं लगता। पति उससे कभी भी बोले ए तू अपने आप को समझती क्या कि करोड़पति, क्यों कि आ गई ना मैं पत्नी बनकर आई हूं ना, नहीं। अब मान लो पति अभी भी क्या समझ रहा है, ए तू 2% की नौकरानी है गरीब घर से आई है, तो झगड़ा हो जाएगा। मैं गरीब घर से आई होंगी लेकिन मैं गरीब नहीं हूं आज, ऐसे ही अब लगाओ जरा कर्ता कर्म इधर लगाओ, भले ही मोह राग देश की पर्याय होगी, होगी वो ध्रुव का अवलंबन लेकर भगवान बन गई, कौन कर्ता, कर्ता कर्म कौन, तेरा कर्म क्या है बोल, हा 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 नक्की करो जरा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर नहीं करना तो आनंद काल के लिए है, लेकिन थोड़ी देर प्रैक्टिस करो। इसलिए जैसे बच्चे से कहो ना जिंदगी भर याद रखना, ये टेबल है ना आपको टेबल जिंदगी भर याद रखना, तो उसे कंटाल जाएगा, बाप रे इतना सारा टेबल, इतना मैथमेटिक्स, इतना याद रखना पड़ेगा, तो उसे एक आ जाता बेटे बस 5 मिनट करना है ज़्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट आप इसको लिख के आइए, हाथ फेर कर आइए, रट कर आइए, 5 मिनट का मतलब बच्चा बहलाने जैसी बात। लेकिन आप निर्णय करो होमवर्क कौन हो, अरे रे मैं आत्मा हूँ, हूँ परमेश्वर छूँ, ये मेरी दशा क्या हो रही है, अभी पढ़, अभी अभी नहीं पढ़ा आपने, कल पढ़वाए थे ना
अमूल्य तत्व विचार, हूँ कौन छू, शू स्वरूप मारो खरो, खरो खरो ने शू स्वरूप मारो, यहाँ अपन सोचते ही नहीं। देखो हम फिर कह रहे, यू आर हैबिचुअल करोड़पति अरबपति लखपति, ये तू आत्मा बन के आ, आत्मा बन के सोच, तब तुम्हें लगेगा हा रोटी बनाकर मजा नहीं आएगा, मान कसाई मिट जाएगी, करता तो मिट जाएगा। अभी तो ऐसा लगता है यदि अच्छी रोटी बन जाए, अच्छा रसोई बन जाए तो कहने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन स्वयं ही अपनी पीठ ठोकते दिन भर, बहुत अच्छी रसोई करती हूँ, पति बहुत प्रसन्न होता है, सारी घर प्रसन्न होता है। अब सुनने वाला तो कोई है नहीं, फ्लैट में, फ्लैट में इधर का दरवाज़ा खोले तो उधर बंद खुला तो कोई का मिलता नहीं, कोई किसी से बात नहीं, चीत नहीं, कोई मतलब, लेकिन अंदर 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 प्रफुल्लित मान का साय से, हाँ तू चाहे ना तो उसी से सम्यक दर्शन से प्रफुल्लित हो जाए। जो काम तुम्हारा नहीं होए, दृष्टांत दे दूं थोड़ा सा, गटर में सफाई करना तुम्हारा काम है नहीं है, करते हो, करते हैं, कभी कभी करना पड़ता है, अपने ओटले के बाहर, अपने दरवाजे के सामने यदि कोई गंदगी कर गया हो, या आते हैं ना क्या कहलाता है स्वीपर, वो वहीं कलेक्ट करके रख गया हो, निकाल करके सारा, बरसात पड़ गई बहुत सारा गंदगी आ गई हो, तो हो सकता है कदाचित अपन भी सुबह सुबह बिना नहाए धोए अपन भी सफाई कर करा के पानी डाल के सफाई कर दें। सफाई करना किसका काम? स्वीपर का। कर कौन रहा है? काम आपका नहीं ना, तो अहंकार होता है आपको, अहंकार होता है, आप खड़े हो जाते हो क्या, देखा ए बस्ती वालों मैंने इसकी सफाई की, देखो कितना बढ़िया है, सब लोग देखो जरा कितनी, ऐसा होना चाहिए साफ, बस्ती वाले तो खुश हो जाएंगे, खैर क्या अच्छा हुआ स्वीपर घर में मिल गया अभी कभी कोई बात हो तो ये साफ करेगा, अपन तारीफ करेंगे, फीस माने तारीफ, जरा अभी कोई बात है, अरे जैन साहब सुनना आप बहुत बढ़िया साफ करते, जरा गंदा पड़ा है आइए प्लीज, और आप फौरन फोटो खिंचाने चले आओगे, नहीं ना ये मेरा काम नहीं, कर भी दे, सुना ध्यान से, कर भी दे तो भी मेरा काम नहीं, करता है तो लज्जित होता है, करता है तो शर्म आती है, क्यों डिसीजन कहां से चल रहा है, कर्ता कारक से, इट इज नॉट माय फंक्शन, मैं इसका करता नहीं हुए, मेरा काम नहीं है, इट इज नॉट माय ड्यूटी। दृष्टांत मैंने जल्दी इसलिए खींच दिया, थोड़ा ज्यादा खींच दिया कि आपको थोड़ा उसको ग्रेस्प हो, जिस दिन आपको ऐसा भाव घर में हो जाए उस दिन सम्यक दर्शन होगा, जिस दिन आपको व्यापार करते करते लगेगा आ मारू काम नहीं, हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, इसका मतलब है हूँ परमात्मा छू, हूँ ज्ञायक छू, इसका मतलब है। अभी अपने को तो लगता है और उन्नति करनी, इसमें और उन्नति करनी है, बिल्कुल नहीं, किस में उन्नति करनी है, विभाव में कि स्वभाव में, विभाव में कि स्वभाव में। अभी एक बात स्वामी जी के प्रवचन में सुनी है आप लोगों ने, जो लोग लेट आए उनके लिए सुनाता हूँ, जो टाइम पर आ गए वो तो भाग्यशाली हैं, लेकिन जो लेट आए उनको सुनाता हूँ, क्या पता है क्या लिखा है, जीव में ऑटोमेटिक ऐसी योग्यता है कि एक मनुष्य भव ले भी ने तो असंख्य भव नरक में जाए, एक मनुष्य भव ले तो असंख्य भव नरक में जाए, ओहो, और ऐसी योग्यता है, योग्यता हो तेरा कर्तव्य नहीं, तू अभी दुखी हो तो भी जाना पड़ेगा, तू प्रसन्न हो तो भी जाना पड़ेगा, सुन रहे सब लोग, सुन रहे नहीं, एक मनुष्य भव धराने के बाद कहाँ जाना है ध्रुवेश, एक मनुष्य भव के बाद असंख्यात बार, ये योग्यता ही है, तू सम्यक दर्शन नहीं करेगा तो असंख्यात भव नरक का होना ही है, लिख लो ये। मैं तो बहुत बढ़िया लगी ये बात, मतलब एकदम चौकस, अब थोड़ी खुश भी हो सकते हो, थोड़ा खुश हो जाओगे, और इससे भी अनंत गुना, असंख्य से भी अनंत अनंत गुना स्वर्ग जाए, इतना पुण्य करने की योग्यता जीव में ऑटोमेटिक पड़ी हुई है, अब तो खुश हो गए ना थोड़ा लेकिन इसमें तेरा काम कुछ नहीं है, पुण्य पाप तेरा काम नहीं है, इसमें तेरा कर्म नहीं है, ये तो योग्यता ही पड़ी है,
ये तो प्रत्येक प्राणी में पड़ी है। मैंने तुझे सोचते है ना, जरा सी पूजा कर ली, आई एम मोमोक्षो, ये तो बहुत छोटी बात कर रहा है। ऐसे तो असंख्यात बार अनंत बार स्वर्ग चला जाए, ऐसी ताकत पड़ी तेरे में। देखिए मनुष्य भाव कितना ओछा मिलता है, मनुष्य भाव तो कम हुआ ना। इसलिए मैं फिर कहता हूं, पुण्य पाप हमारा काम नहीं भैया, ये तो ऑटोमेटिक, तू सम्यक दर्शन नहीं करेगा, आत्मा का अनुभव नहीं करेगा तो ये तो ऑटोमेटिक ही होने वाला है, होने वाला है। स्वर्ग जाकर तेरी कोई बहुत महानता की बात नहीं, नरक जाकर कोई दीनता की भी बात नहीं, लेकिन पहले नाम पूरी तू नक्की कर, होमवर्क कर कि हूं कौन छू, कौन हो। यदि अंदर से लग जाए हाँ मैं भगवान हूं, भगवान हूं, बस अब काम तो करोगे, मुझे पता है वो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन आप पता है, बोलूं सबके लिए, बहनों की तरफ से इसलिए बोल रहा हूँ खास जानबूझकर, आपको स्त्री भाव काटना है, स्त्रीलिंग छेदना है, सम्यक दर्शन करना है, काटने की विधि बता दूँ फौरन, होमवर्क और कुछ नहीं, रोटी बनाते बनाते भी लज जाए हूँ परमेश्वर छूना आ मारो काम न थी, मान का सहायक कटता जाएगा, मायाचारी कटती जाएगी, कोई काम बिगड़ जाए ना, जैसे सब मुझे कंप्यूटर का वर्क चपरासी को नहीं आता, लेकिन वो देखते देखते थोड़ा बहुत तो सीख ही जाता, थोड़ा थोड़ा देख देख करके। तो फिर अब क्लर्क नहीं था, बॉस को कोई काम करना था, फाइल निकलवानी थी उसमें से कोई, तो अब वो परेशान क्या करें, तो साहब मैं कोशिश करूं, पूछा उस पर, उसको भी आता नहीं था उसको, लेकिन वो देखते देखते साहब कोशिश करूं, कर लेगा कर, तो उसने कोशिश करी, एक गलत बटन दब गया, डिलीट, फाइल तक तो आ गया वो जो फाइल चाहिए थी उस फाइल तक भी आ गया, वो पूरा प्रोग्राम आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बटन कौन सा दब गया, और फिर सारा प्रोग्राम उड़ गया सर। 6 महीने का, साल भर का, 2 महीने का, जितना भी था, और उसका कोई बैकअप भी नहीं, एग्जाम्पल है, बैकअप भी नहीं, और सारा उड़ गया। अब तो तूफान बॉस का, हे तूने सत्यनाश कर दिया, तो वो इतना प्रसन्न, साहब आप मेरी रिपोर्ट करना चाहो तो ऊपर कर दो, लेकिन मेरे को गालियां मत दे, आपको रिपोर्ट करना ने ऊपर रिपोर्ट कर दो, बॉस तक दिल्ली तक फाइल पहुंचा दो कि चपरासी ने मेरी फाइल उड़ा दी कंप्यूटर में से, तो तेरे को डर नहीं लग रहा है, डर का है का? मेरा काम थोड़ी था, आई एम रिस्पॉन्सिबल तो तब होता, मैं रिस्पॉन्सिबल तो तब होता जब वो मेरा काम होता। ये तो मैंने आपसे पूछा था कि मेरे को आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन आप कहो तो ट्राई मारूं, ये तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि जो काम जिसका नहीं हो वो आपने क्यों दिया उसको समझ आया कि नहीं आया? तो ये तो ऊपर से पनिशमेंट तुमको होगा, मेरे तो रूल्स रेगुलेशन में वर्क ड्यूटी है ना, वो ड्यूटी चार्ट होता है इनका, एक ड्यूटी चार्ट, प्रत्येक कर्मचारी का एक ड्यूटी चार्ट होता है, वर्कलोड कहलाता है वो, मेरे तो वर्कलोड में ही नहीं लिखा कंप्यूटर चलाना, मेरे को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, यदि कोई सस्पेंड होगा तो यू, समझ में। ये तो दृष्टांत देना, मतलब कभी रोटी बिगड़ जाए, रसोई बिगड़ जाए, तुम्हारा बिजनेस बिगड़ जाए, मैंने हो ही जाता है, तो सब लोग तुमको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, तुमने बिजनेस का चौपट कर दिया, पिताजी क्या बोलेंगे, मैंने तेरे को 1 करोड़ की कैपिटल दी थी, जमा जमाया बिजनेस दिया था, तेने साफ चौपट कर दिया, तो आप प्रसन्न रहिए वेद विज्ञान करके, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं, बिगड़ गया तो कोई आश्चर्य नहीं है, जैसे चपरासी ने फाइल उड़ा दी उसका काम ही नहीं है, ऐसे बिजनेस करना मेरा काम नहीं है, यदि घाटा हो गया, बिगड़ गया, क्या कहना चाहिए, डिसहेल्थ, क्या कहना चाहिए, बीमार हो गए, कुछ हो गया, ये मेरा काम ही नहीं। हाँ कितना सुंदर, केवल इतना आप करोगे ना तो भेद विज्ञान की आरी चलने जाएगी, आप मजे में रहोगे, जैसे चपरासी कितना मजे में, वो आखिरकार वो सांप को बोल रहा है, आप डांटो नहीं मेरे को, आपको कंप्लेंट करना ऊपर तक कर दो जा, लेकिन आप मेरे को डांट नहीं सकते, किस बल पे कह रहा था वो, क्योंकि मेरा काम घर में, अब रसोई का समझ लो, बोलो रसोई का, बोलो बिगड़ जाए कोई काम, बिगड़ता ही है, क्यों बिगड़ता तो तत्समय की योग्यता से है, लेकिन सारे लोग को गुस्सा इसलिए आता है कि तू उसका करता है,
लेकिन इनको भी नहीं मालूम कि मैं इसका करता, अपने को भी नहीं मालूम। अपन दुखी क्यों होते हैं कि अपने को भी नहीं मालूम कि अपन इसके करता नहीं है। अब दुखी 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 वेद विज्ञान चलाओ, अमारू काम ना थी, मारू काम तो जान मानू। और सच्ची बात कहें, इसको जानना भी मेरा काम ना है। ये जानना भी मेरा काम नहीं, ये तो कोई कर्माधीन बनेनी परिस्थिति आ गई है बस। जैसे कोई करोड़पति सेठ होए, तो अभी तो जमाना बदल गया इलेक्ट्रिक जब से आ गई, नहीं तो पुराने जमाने को सबको पता होगा, पुराने जमाने में जो जेल होती थी ना, तो कैदियों को आटा पीसना पड़ता था। तो लोग कभी भी को कमेंट्स करते थे ना, याद रखना ना तेरे से जेल की चक्की चलवाई, ऐसे मैंने पहले ऐसे बोलते थे। अब तो अभी तो चक्की गई, ऑटोमेटिक हो गई ना वो सारी, क्योंकि पहले ऐसा करना पड़ता था। तो करोड़पति सेठ हो और वो अब्जोपति सेठ हो और जेल में चला जाए, तो जेल में उसे चक्की चलानी पड़े और उसके बेचारे के हाथ खून खून हो जावे, ऐसे क्यों, कभी चलाई नहीं उसने चक्की। जेंट्स लेडीज चलाए ऐसे नहीं, जेंट्स को चलानी पड़ती थी वह। और वहाँ इतना कॉमन बाथरूम होता है, कॉमन लेटरिंग होता है, ऐसा थोड़ी होता तुम्हें क्या कहलाता है जॉइंट लेट बाथ। जेल में कोई अटैच लेट बाथ नहीं होता वहाँ, वहाँ तो कॉमन होता है। तो वहाँ ड्यूटी लगती है करोड़पति अब्जोपति की भी, सफाई करना, बाई पर मार के आओ, लेटरिंग में संडास में पानी डालो, ऐसा करो। अब बेचारे ने कभी किया तो है ही नहीं, करोड़पति अब्जोपति सेठ, उसने तो कभी किया नहीं। अब ढंग से नहीं कर पाए, जरा ज्यादा पानी डाल देवे तो जेलर चिल्लावे ए ठीक से काम नहीं करते, कुछ आदन नहीं है। अब क्या बोले सेठ, क्या बोले बोलो, क्या बोले बोलो सेठ, क्या बोले, ये बोले ये मेरी मम्मी से भूल हो गई, सफाई करना नहीं सिखाया। ऐसा नहीं सोचेगा, अरे ये मेरा बहुत बहुत तकलीफ होती थी पेट, बहुत बहुत। पहले तो जेलों में आटा पीसना आता नहीं था, तो आपको आटा, आपको भी पुराने लोगों को तो पता होगा थोड़ा आटा पीसना, नए लोगों को तो पता ही नहीं होगा आटा पीसना। मैंने पीसा है, मैंने चलाई चक्की, तो बहुत कठिन काम क्यों है उसमें, कि यदि मोटा पीसना हो ना तो ज़्यादा ज़्यादा गेहूँ डालना, डबल डबल। और यदि आपको दलिया पीसना हो ना थुली, तो और ज़्यादा डालना, क्योंकि इसमें लीवर नहीं होता वो कि आप लीवर सेट करो। इसमें लीवर सेट करने की कोई सुविधा नहीं। यदि आपको मैदा पीसनी हो तो चार चार दाने डालो, चार चार दाना डालो और घट्टी कीसो ऐसे ऐसे। अब सोचो कितना, मैंने बेचारा अब जो पति को क्या पता, तो वो तो जल्दी पति जाए। डालना पड़ा सारा मोटा मोटा दलियो, एक हंटर जेलर का, एक हंटर एम सीख। बाप रे, कोई जेल जाने से डरते थे केवल चक्की की वजह से। आजकल तो लोग मजा मानते हैं कि फ्री में आना, रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में फ्री आना, आना फ्री जाना फ्री, और पकड़ा गए तो खाना फ्री, बस खत्म। ये आजकल की बात हो भले, उस समय तो बहुत डरते थे लोग केवल इतनी घटना से, क्यों पिटाई हो गई। और इसमें कोई भेदभाव नहीं कि तू करोड़पति या अरबपति, सबकी एक ड्रेस, मिथ्या दृष्टियों की सारी ड्रेस एक सी। क्या दृष्टांत है, आटा पीसना नहीं आता तो फिर वो करोड़पति क्या सोचता होगा, मम्मी पापा को सोचता होगा, या फिर ऐसे प्रतिज्ञा करके निकलता होगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कोल करार करता हूँ जेलर साहब, कि अब की बार जाऊँगा तो मम्मी से सीख कर आऊँगा कि आटा कैसे पीसना, रसोई कैसे बनाना सीख। एक करेगा कोई को प्रतिज्ञा, लेकिन आप करते हो, आप कर्मों के, कर्मों का पनिशमेंट में ये जेल है। ग्रस्त कंडीशन क्या है, ग्रस्त कंडीशन क्या है, जेल। आप प्रतिज्ञा करते हो अगली बार, जैसे कभी कभी बहू आती है ना, वो इंजीनियर बहू को ही रख लो फिर से, सपोज वो थोड़ी चौथे काल की थी, मिक्स चौथा काल थी, पढ़ी लिखी इंजीनियरिंग या जो भी कोई, लेकिन वो घर आई तो सासू ने कहा हाँ हाँ तेरे से एक रोटी नहीं बनती, एक काम नहीं आता तेरे को, जरा सा दूध चाय का काम नहीं अबेर सकती तू। तो फिर अब उसने पहली प्रतिज्ञा करी, माता जी अब मैं पीहर जाऊँगी नहीं, तो पहला काम यही करूँगी, सीख कर आऊँगी। लेकिन वहाँ तो उसे अपना काम लग रहा है, इसलिए सीखने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि नेवर, घर का काम बिगड़ जाए तो पंडित जी आप तो हमारा घर बिगाड़ोगे।
हाँ मेरा तो काम ही है घर बिगाड़ो, घर उजाड़ो, उन्हें तो मत बुलाओ, सीधी सी बात। मेरे चक्कर में रहोगे और महावीर भगवान के चक्कर में रहोगे तो घर उजड़ने वाले हैं, संसार का सत्य नाश होने वाला है, वो तो पक्की बात है। थोड़ा झगड़ा बढ़ेगा लेकिन भेद विज्ञान भी बढ़ेगा, झगड़ा तो थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा झगड़ा। जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ता है ना तो झगड़ा बढ़ता जाता है। अब ये तो आपको सोच के रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अभी सच बात तो यह है कि अपन ये सोचते नहीं, ये सब सेव पहले, फाइल उड़ नहीं जाए इसको सेव करो पहले। कौन सा? ये सारा विभाव, सारा बिजनेस, खाना पीना बनाना, ईगो ईगो ईगो, सबको सेव करके रखो पहले। अब बात करो क्या कहना है, बोलो। हाँ तुम्हें इसीलिए लोगों को वो प्रवचन बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे प्रवचन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते लोगों को, वो प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। आहा तूने मोह को कभी छुआ ही नहीं, राग ने अड़तोज न थी, बर्गर ने अड़तोज नहीं, खाने की तो आज तक तेने खाए तो छोड़, तूने मैंने नहीं खाता, बरे खाते हुए भी नहीं छूता, क्या गजब बात। अपने अपने भैया ऐसी बात नहीं है, आगे समझ में आया। मैं कल एक बात शायद आपको बताई थी ना, कल चरणानियोग और द्रव्यानियोग, एक तो चारोंनियोग की डेफिनेशन पढ़ो, मुझे ऐसी इच्छा हो रही। अब देखो अगली बार याद दिलाना, बराबर जब कभी आऊँ तो चार अनियोग पढ़ाऊँ बस, और कुछ नहीं पढ़ाऊँ। चार अनियोग का कंटेंट्स क्या है, जैसे कोई आप दवाई खरीदते हो ना तो उसका कंटेंट्स देखते हो, ऐसे चार अनियोग का कंटेंट्स क्या है। आप डीप स्टडी तो करते नहीं हो, तो अभी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो 10-15 दिन लग जाएंगे कम से कम, इतना तो लगेगा उसमें बताने के लिए कंटेंट्स। तो अभी आप देखना, आप भी खोजना, जब तक आठवें अधिकार में पढ़ना थोड़ा सा, आठवें अधिकार में थोड़ा कंटेंट्स के बारे में आया है, आप पढ़ना। मैं तब इतनी बात करता, आठवें अधिकार का है का? समय सार जी का, मोक्ष मार्ग, हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, याद इसलिए करा दूँ, नहीं तो फिर आप 10 ग्रंथ खोलते फिर वो आठवां अधिकार हो परेशान हो, इसलिए मैंने कह दिया जरा। कौन सा ग्रंथ? बढ़िया। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैंने इनको दो बात बताई, बहुत सुंदर बात थी, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने, मेरे नोट्स बहुत हैं, क्यों मैं पढ़ता हूँ तो मेरी मेमोरी वीक है थोड़ी, तो फटाफट नोट कर लेता हूँ ताकि वो कभी ना कभी फिर याद आ जाए, तो वो मैं कलेक्ट करके नोट कर रहा था उसको। मुझे उसमें जो बात अच्छी लगी वो सुनने जैसी है, चरणानियोग से मोक्ष नहीं होता, चरणानियोग से कल्याण नहीं होता, क्रियाकांड से कभी कल्याण नहीं होता, लेकिन चरणानियोग परहेज है। परहेज समझते हैं, परहेज क्या बोलते हैं थोड़ा आप, इंग्लिश में कुछ शब्द होता हुआ अच्छा सा, मैंने परहेज करना चाहिए, समझते हैं रोग में। दूसरी बात, द्रव्यानियोग दवाई है, द्रव्यानियोग क्या है? वो दवाई है, दवाई से ठीक होते हैं, परहेज से ठीक नहीं होते। आपको कोई तकलीफ हो जाए आप परहेज शुरू कर दो लेकिन दवाई नहीं खाएंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। आपको हो जाता है सर्दी हो गई, कोई बात हो गई तो आपने कान बांध लिया, ठंडी हवा में नहीं गए, पानी बारिश गिर रही हो तो नहीं गए, ये परहेज है, इससे ठीक नहीं होंगे आप। ठीक कैसे होंगे? दवाई। तो द्रव्यानियोग दवाई है और चरणानियोग परहेज है, ये अच्छा रहा। आपने को परहेज बिल्कुल नहीं करना, मैंने चरणानियोग बिल्कुल नहीं करना, दवाई खाना। समझ में आया कुछ क्या कहा? नहीं समझ में आया, मैं समझा था। तंबाकू खाने से कैंसर हुआ तो परहेज काय का करना चाहिए, तो इससे कहीं ठीक होते हैं क्या? नहीं होते, इसलिए हमको तंबाकू तो खाना, पॉइंट पकड़ रहे हैं, इसलिए परहेज नहीं करना हमको। तंबाकू परहेज से ठीक नहीं होते ने, परहेज से ठीक नहीं होते ने, आपने बोला ना, अभी आपने बोला ना ठीक नहीं होते, इसलिए हम तंबाकू तो खाते हैं लेकिन दवाई नहीं खाते ना, दवाई खाते हैं लेकिन दवाई खाए कहां तू? सुन, जब तक दवाई ना मिले तब तक भी परहेज करते हैं और दवाई मिल जाए तो भी परहेज करते हैं। समझ में आया कुछ क्या कहा? दवाई जब तक नहीं मिली तब तक भी जितना मालूम है उतना परहेज करते, जितना मालूम है, और जैसे ही अपन दवाई मिलती है, डॉक्टर मिल जाता है, प्रॉपर चेकअप हो जाता है, सब बात मालूम पड़ जाती है, तो फिर डॉक्टर कहता है भाई ये चीज़ से परहेज करना।
परे से ठीक नहीं होते ना। अब एकांत नहीं पकड़ना बराबर, मैं फिर कह रहा हूं परे से कुछ नहीं होता, होता है दवाई से। ऐसे द्रव्यानियोग द्रव दृष्टि बिना तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। तू 11 अंग नौ पूर्व पढ़ और चारित्र में मुनि दशा का परहेज कर, लेकिन वो परहेज निरर्थक है। परहेज छोड़ना नहीं कह रहा हूं, परहेज निरर्थक है मतलब परहेज छोड़ देना ये नहीं कह रहा हूं, वो परहेज को सार्थक करने के लिए तू दवाई खा। समझ में आ रहा है कुछ? बाहर का परहेज कर लिया तो अब दवाई खा। एकांति कौन है कि या तो दवाई खाता है लेकिन परहेज नहीं करता, वो परहेज करता है तो उसी को दवाई समझ लेता है। आपके समझ में आया कुछ? जब इतनी बात आ गई तो समझ ही लो। बहुत अच्छा एग्जांपल अभी सुना मैंने, वो आपको सुनाने का मन कर रहा है मेरे को। अपने घर में करोड़ों रुपए अरबों रुपए का गोल्ड हो और जो भी ज्वेलरी हो और उसकी चाबी खो जाए, तिजोरी की चाबी खो जाए। माल तो है, धनी तो है, धनी तो है, लेकिन मजा कितना आ रहा है बोलो। बराबर आगे बढ़ो। अब एक रुपए की एक चाबी बन गई, दो रुपए की बनी, बात एक ही है, दृष्टांत है। माने अरबों रुपए की सामने एक चाबी आई, छोटी सी चाबी, लोखंडी चाबी, अपने डाली, फटाफट खुल गया, कितना आनंद आया। इस सारी सारी कृपा कौन की है? चाबी की। महिमा किसकी है? गजब। चाबी ने कोई मत बनाया थोड़ी है, चाबी ने बनाया थोड़ा ही है, लेकिन चाबी के बिना खुल नहीं सकता। चाबी की कोई महिमा नहीं, ऐसे चरणानियों की कोई महिमा नहीं, लेकिन चरणानियों के बिना केवल ज्ञान नहीं आता। तेरे पास अनंत गुणों का निधान है, तेरी ध्रुव 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 क्या कहा? तेरी तेरी तेरे भगवान आत्मा में ना, तेरे में अनंत गुण का निधान है। प्रभुता ब्यूता सर्वज्ञता सुख अनंत अनंत शक्तियां तेरे में भरी पड़ी है, लेकिन अब लेकिन लेकिन चाबी नहीं मिल रही। अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ मैंने नहीं मिल रही। अपन अभी भी वैसे वैसे बना भिखारी। इस जिनमणि पढ़ना, भगवान की पूजा भक्ति करना, साधर्मी की संगति करना, ये चाबी है। चाबी तेरे को भगवान नहीं बनाएगी, वो हीरे माणिक मोती नहीं बना देगी चाबी। तू खाली डब्बे में खोल तो, खाली डब्बे में लगाए तो चाबी क्या करे? चाबी का काम थोड़ी है। लेकिन लेकिन अब लेकिन ये हम जो प्रतिदिन सटावश्यक करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, अलर्ट होके सामाई, अलर्ट होके क्या कहना सत्संग, अलर्ट होकर भक्ति, अलर्ट चाबी कौन सी? अलर्टनेस। चाबी में भी बड़ी गड़बड़, चाबी भी सही हो, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? चाबी भी सही हो ले उल्टी लगाए, द्रव्यानियों को चरणानियों की ताले में घुसाए, चरणानियों की चाबी को द्रव्यानियों में घुसाए। और नहीं तो कभी कभी ऐसे उसमें जैसे कट्स लगे रहते, थोड़े से लीवर के कट्स होते हैं ना, लीवर के होते हैं, और उल्टी लगा दे, उल्टा घुमाए, कितना सरल काम है। एक रुपए की चाबी ऐसे घुसाई, ऐसे निकाली, सारा हीरा माणिक मोती। पहले धनी था, अब स्वामी भी हुआ और भोगी भी हुआ। अभी अपन सब कौन है? धनी तो है, अनंत गुणों का धनी, भगवान आत्मा का धनी, ध्रुव धाम का धनी। धनी धनी में तो बराबर है, कौन के बराबर? कौन के बराबर? सिद्धों के बराबर, लेकिन उन्होंने ताला खोल लिया। स्वामी भी हुआ और भोगी भी हुआ। और अपन अभी अपनी हालत क्या है? आपको ऐसे नहीं लगता? मैं ऐसा आपको ऐसा लगे कि अपन कैसे अभी तक अपने को सिद्ध के समान धनी होने पर भी अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का स्वामी होकर के भी, स्वामी नहीं धनी, अरे रे। और अभी भी अपने को चिरन 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 चिरन
कभी तुम समय से घर जाओगे ना, अभी सब लोग सब हो सभी लोग जाओगे और वहाँ से लौटोगे और तुम्हारी बंगले की चाबी वहीं रह गई समय से घर में। अभी अभी चाबी वहाँ रह गई तो केस अंदर, दाल चावल भोजन रसोई सब सामान अंदर है, अभी वो चाबी तो अब है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि पड़ोसी को दे जाए, कि वो पड़ोसी को भी नहीं दे सकते। अब चाबी कौन बनाए, अपन ने अमेरिकन लॉक लगा दिया, अमेरिकन वो तो है ही नहीं रिपेयरमैन। मतलब एक एग्जांपल है, वो जर्मनी का सुधारने वाला तो अब कौन बुलाए, तो उसे कॉल करो जब वो आए। और पूरे अहमदाबाद में घूम लिया कि उसकी चाबी नहीं बन रही, तब तक अपनी दशा क्या होगी ये बता। पानी पीना हो तो जरा पानी देना, पड़ोसी वालों से पानी देना, भूख लग रही तो भाई कुछ थोड़ा नाश्ता देना। कैसा कितनी तकलीफ होगी, हर समय कहाँ नजर आएगी, बस एक दो इंच की दीवार, कितना इंच का होता कांच, लेकिन कांच तोड़ थोड़ी सकते हैं अपन ने, अभी तोड़ना नहीं है ना। दो इंच के पार सब दिखाई दे रहा है, देखो गैस है, रसोई का सामान है, फुल फैसिलिटी है, बेडरूम है, ईच एंड एवरी फैसिलिटी अवेलेबल। बट अभी जब तक वो चाबी नहीं मिलती, सच कहना आपको कैसा लगता है, वो कैसा लगता है क्या, कैसा कैसा लगेगा जो भी कुछ होगा, लेकिन आप करें क्या, सोना हो तो कहाँ जाएं, भोजन करना हो तो क्या जाएं। अब 15 दिन बाद आई उसकी फ्लाइट अमेरिका जर्मनी वाले की, तब आए तब आपका ताला खुला, ठीक है जो हुआ अब तो, लगता कैसा है। हमें आपसे ऐसा कहना है, हमें आपसे कहना है, आप इतना डेप्थ में जाओ, मैं कर्ता कारक काय का हूं, कर्म क्या है मेरा, मेरा काम क्या है पहले नक्की तो करो। अरे रे, इस स्वाध्याय के द्वारा ही चाबी खोलो, अनादिकाल से तुम्हारी तो 15 दिन में निपट गया काम, यहां तो अनादिकाल से वो हो सिद्ध के समान अनंत सुख का धनी, अनंत गुणों का धनी, समझ रहे हो, और आज तक सम्यक दर्शन की चाबी नहीं मिली। के तो परहेज उल्टा उल्टा करते हैं, परहेज भी करते हैं तो सार्थक नहीं करते हैं परहेज, समझ, चरणा नियोग। मैं नहीं कहता हूँ चरणा नियोग से धर्म होता है, लेकिन चरणा नियोग परहेज चाबी लगाने की स्टाइल, पढ़ने की स्टाइल, भेद विज्ञान की स्टाइल, भेद विज्ञान क्या करना है, घर में कि बाजार में, बताऊं कहाँ करना है, केवल सुबह शाम प्रवचन में बस। प्रवचन में कोई आवे और नींदा जावे तो झट भेद विज्ञान करके प्रसन्न, कोई बोले क्या आपको ऊंग बहुत आवे, नहीं नहीं वो क्या बताएं, निद्रा वर्णी कर्म का उदय है ना, कितना बढ़िया। कभी अपने को ऐसा थोड़ी लगता है कि अपने कोई अपराध किया इधर आके, अपन ने तो काम कर लिया, कौन सा काम कर लिया, आना बैठना बाकी जगाना तो पंडित का काम है, और अब निमित्त घना होए तो क्या करें बताओ, निद्रा है ना दर्शन वर्णी का एक नहीं उदय, और नींद आ जाए तो हम क्या करें। मैंने कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगता, घर में कभी हो जाए चोर आपसे चोरी करने आए दिन में, वो भी दिन में, और आपसे बोले कि ये सब उतार के दो, और इतने में आपको नींद आ जाए और आपके साथ ले जाए सारा, तो आप दर्शन वर्णी को याद करोगे, बोला वहाँ कितना अलर्ट है जी, ए भाई घड़ी बड़ी जल्दी भाग गई आज, मेरा तो काम ही पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन आपको करना है पूरा पूरा, आपको करना है, मैंने तो होमवर्क बता दिया आपको, मैं कौन हूँ मेरा काम क्या है, ये दो नक्की करना है आपको, नक्की करना, विचार नहीं याद नहीं, क्या कहा, नक्की करना है। आपको लगेगा अरे रे मेरी चाबी खो गई, मैं भगवान सिद्ध के समान और सिद्धालय में होता, लेकिन आज इधर खाता हूँ, इधर पीता हूँ, इधर रहता हूँ, इससे सुख की आशा करता हूँ, मेरे सारे काम पराधीन हो गए, सारे काम पराधीन हो गए, करोड़पति अरबपति भी आज कैसे, इधर मांग इधर मांग, इधर सो इधर बैठ, कैसा हो गया, ऐसे तीन लोग का नाच, अरे रे स्त्री के अधीन, बच्चों के अधीन, व्यापार के अधीन, समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है। जब तक ये दो कारक नक्की नहीं करोगे, आप चाहे जितना पढ़ लेना पढ़ लेना, छोपसम का काम होगा, श्रद्धा का काम नहीं होगा। आज का प्रवचन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, छोपसम और श्रद्धा, ज्ञान गुण का काम तो होगा, ज्ञान गुण करता और विचारना याद करना रखना ये उसका काम,
लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा गुण का काम अलग। अब तो समझ में आया, आज होमवर्क समझ में आया, कुछ कठिन तो नहीं लगा? कठिन क्या है, अपन भगवान है, इससे अच्छी क्या बात होगी। और इसके बाद ये लगना चाहिए ये मेरा काम है, झगड़ना नहीं, व्यवहार में व्यवहार जैसे ही बोलना। क्योंकि यदि आपने बोल दिया ये मेरा काम नहीं, तो फिर पति देव भी कह देगा मेरा भी काम नहीं, मैं भी गया था दस्ता, मैं भी कमाने नहीं जाता। तो व्यवहार में व्यवहार, लेकिन दृष्टि में परमार्थ। क्या कहा? हाँ, नहीं तो तुम अभी कहो पंडित जी आपने तो कहा था झगड़ा बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो सही है, तो पक्की बात है, बढ़ना तो है ही, लेकिन वो तरीके से बढ़ेगा तो मजा आएगा उसमें आपका। सर मैंने कहा कि अभ्यास कराया होमवर्क ज्ञान का नहीं, श्रद्धा का। आप जो अभ्यास करोगे ना, इससे दर्शन मोहिनी अंत कोड़ी होगी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपको बिल्कुल, लेकिन आपको कौन से कारक पढ़ाए दो? इसका नाम है अरंत भगवान की पूजा, इसका नाम है सिद्ध भगवान की पूजा। इसके पहले पूजा स्टार्ट नहीं हुई। आपको सिद्ध समान नहीं लगता तब तक नहीं, बराबर समझ में आया? कोई की जेब में 500 का नोट है क्या? तो एक क्वेश्चन है, निकालो। निकाल दिया सर, बाकी ने नहीं निकाला, एक ने निकाला। वाह चिरन गजब कर दिया, ये भगवान बनेगा पक्का। ए 500 रुपये जिसकी जेब में वो भगवान बनेगा? तो बाकी लोग ने निकाला भले ही नहीं, लेकिन उनको काय का कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन जरा जल्दी हो गया, फिर से बोलता हूँ। 500 का नोट किसी की जेब में है क्या? अभी है तो निकालो, तो 1,00,000 रुपये इनाम लो। तो एक ने निकाला तो उसको 1,00,000 दिया, तो बाकी लोगों को एकदम मजा आ गया। काय का मजा आ गया? अभी उन्हें मिला नहीं 1,00,000, मिला नहीं 1,00,000, लेकिन जैसे कि एक इनने 500 का दिखाया 1,00,000, उसने दिखाया 1,00,000, इधर से एक आया था उसको 1,00,000, इधर से एक बहन आई 1,00,000। तो जिन जिनकी जेब में 500 का नोट है उनको आनंद काय का है? अभी मिला नहीं ना नोट, 1,00,000 नहीं मिला ना, आनंद आया कि नहीं आया जी बताओ? बस ये सम्यक दशा। सिद्ध भगवान ने 500 का नोट निकाल लिया, इतना ही फर्क है बस। हमारे पास 500 का नोट है, कन्फर्म हो गया हूँ सम्यक। हाँ मैं सिद्ध हूँ, सम्यक दृष्टि हो गया। अब अभी घर में काम करेंगे, लेकिन वो 500 का नोट अभी रखा है, इतनी बात है कि मिलने का पेमेंट बाकी है बस। हमने कहा क्यों में आओ, क्यों में एक साथ नहीं आओ 500 का लेके, क्यों में आओ? मजा आ रहा है, सबको आ रहा है मजा, क्यों काय का मजा आ रहा है न, मजा काय का आ रहा है कि अब तो कंफर्म कि अब मेरे को 1,00,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि इतने लोगों को मिल चुका है। जय पूरब शिव गए जाही, अरे अरु आगे जय है, ओहो बस हो गया, सो सब महिमा, बस हो गया, हमारा काम हो गया। मोक्ष में कौन कौन चलने वाला? क्यों में आना पड़े, एक नहीं ऐसे एकदम नहीं चलेंगे, क्यों? कितनी खुशी हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। बस सम्यक दर्शन सबसे इजी टास्क है, लेकिन वो फिर वही वाली बात है, आप इन सबको सेव करो और फिर ये बात करो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको काम तो कर्म के उदय में जेल का दृष्टांत दिया नहीं, करना पड़ता है, लेकिन प्रतिज्ञा कभी नहीं करता कि इससे अच्छा सीखूंगा, भविष्य में फिर जेल आऊंगा तो ऐसे करूंगा। हम तो कसम खाते हैं अगले जन्म में ही भगवान इतना पुण्य करूं कि बहुत सुंदर स्त्री बनूं, बहुत सुंदर पुरुष बनूं, बलवान पुरुष बनूं, अगली जेल की तैयारी। नहीं आए समझ में, मैंने बोला था नहीं, वो कैदी को बहुत डांटा, तो कैदी निकलते समय बोले साहब इस बार तो बहुत कमी रही मेरे में, लेकिन अगली बार आपको निराश नहीं करूंगा। ऐसा बोलेगा या अगली बार मैं काम सीख कर आऊंगा? नहीं नहीं नहीं, बराबर समझ में आया? ऐसे ही भैया, सब सबको होमवर्क दे दिया, आप अपना बिजनेस में लगाना, आप नहीं लगाओ तो समझना मोह का उदय, मोह का बहुत तीव्र उदय है जो तेरे को लगाने नहीं दे रहा, होमवर्क नहीं करने दे रहा, इसका नाम हाँ मोह नहीं, तीव्र मोह का उदय। अब तुम जानो, मैंने तो बोल दिया भैया, ओम नमः शिवाय। हेलो, फिर एग्जाम 15